अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आपके साथ है ज़ारा बेकर। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं नूडल्स के पकौड़े, जो बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे नूडल्स, जो कि मैंने बॉयल कर लिए थे। 90% मैंने इसको डन किया है। आपने इसको 100% नहीं करना। इसका जितना भी स्टार्च है वो आप निकाल लीजिएगा। 500 ग्राम मैंने चिकन लिया है। अब मैंने इसको बॉईल कर लिया था 1 टेबलस्पून नमक डालकर, और उस चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है। 5 लार्ज मैंने आलू लिए हैं, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है ग्रेटर से। इसका जो पानी निकलेगा उसको आपने स्क्वीज कर देना है। कॉर्न फ्लावर लेंगे हम 4 टेबलस्पून, क्रश रेड चिली 2 टेबलस्पून, 2 एग्स लेंगे, काली मिर्चों का पाउडर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून, सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, और जो मैगी नूडल्स या नॉन नूडल्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका जो टेस्टर्स मिलता है वो भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। नूडल्स बॉयल करते हुए हमें वो टेस्टर ऐड नहीं करना। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाथ से आपने इसको मिक्स करना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। नूडल्स के पकौड़ों को हम लोगों ने डीप फ्राई करना है। अब हम लोग जैसे बेसन के पकौड़े बना रहे होते हैं, अब उस तरह भी इसको फ्राई में डाल सकते हैं, या इसके स्मॉल बॉल्स बना के इस तरह मैंने बनाए हैं, अब इस शेप में भी बना सकते हैं, जो आपको इजी लगता है। मज़ेदार से यमी हमारे नूडल्स के पकौड़े रेडी हो गए हैं। आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करेगा, मुझे फीडबैक भी देना है। और जाते जाते सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आप लाइक करें, कमेंट करें, फीडबैक दें, और जो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर हम मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।